चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बिहार के विभूतियों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज के शख्सियत हैं हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। सच्चिदानंद सिन्हा के जीवन घटनाक्रम को समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे सभी छात्रों का स्वागत है। सच्चिदानंद सिन्हा जो शख्सियत है हमारे, ये रहे आपके सच्चिदानंद सिन्हा साहब, उनके चित्र हैं आपके सामने। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में जानेंगे तो इनका जन्म बिहार के बक्सर जिले में मुरार गांव में होता है। बक्सर जिले के मुरार गांव में इनका जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी को हो रहा है बिहार में। इनके पिता का नाम बस्की शिव प्रसाद सिन्हा और माता का नाम राधिका जी है, सॉरी पत्नी का नाम राधिका है। इनके जो पिता है वो डुमराव गांव के महाराज, डुमराव महाराज के यहाँ तहसीलदार थे बक्सर में ही। आरंभिक जीवन के बारे में ये बातें हैं। इनकी जो मृत्यु होती है या इनको जो देहांत प्राप्त होता है वो 6 मार्च 1950 को 78 वर्ष की आयु में होती है। यदि कुछ और बातों पर चर्चा करें हम अपने बिहार की विभूति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में, तो आप देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा साहब हमारे भारतीय संविधान, जब संविधान सभा गठन होगा उनके पहले अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। बिहार के अलग प्रांत के गठन में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। बिहार जो राज्य बनता है, अर्थात बिहार राज्य के गठन में यदि इतनी बड़ी भूमिका है तो इन शख्सियत के बारे में हम तमाम बिहारियों को, बिहार वासियों को जानना बहुत जरूरी है। भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में भी आप देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी भूमिका बहुत ज्यादा होगी। बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चे राधे राधे हमारे प्रेरणा जी, और भी जो सब बच्चे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सबको और शेयर। इनके आरंभिक जीवन के बारे में देखेंगे तो इन्होंने ज्यादातर अपनी जो स्कूली शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा है बक्सर में, डुमराव में, जो इनका गांव है मुरार, वहीं पर प्राप्त की थी। आगे स्कूली शिक्षा के लिए ये भी टीके घोष स्कूल पहुंचते हैं, उच्च विद्यालय पहुंचते हैं, वहां से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इंग्लैंड चले जाते हैं। ये हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 26 दिसंबर 1889 को मात्र 18 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा के लिए कहां भेजे जाते हैं, इंग्लैंड भेजे जाते हैं। वहां पर 3 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वापस हमारे बिहार लौटते हैं। 1893 ईस्वी में भारत इनकी वापसी होती है। वहां से पढ़ाई करने के बाद बैरिस्ट्री की या लॉ की पढ़ाई करने के पश्चात ये आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को ज्वाइन करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक लॉ की या फिर कानून के प्रैक्टिस करेंगे, वकालत के रूप में, वकील के रूप में। उससे भी पहले कुछ और चीजें होती है। 1893 में जब ये वापस लौटते हैं ब्रिटेन से तो 1894 में इनकी मुलाकात खुदाबख्श खां साहब से होती है। खुदाबख्श खां साहब से मिलने के पश्चात खुदाबख्श लाइब्रेरी इनका लगातार आना जाना रहेगा। चूंकि लंदन से पढ़कर वापस लौटे थे तो इनको एक जॉब, अच्छे जॉब के लिए ऑफर मिलेगा खुदाबख्श लाइब्रेरी में ही। खुदाबख्श जी के द्वारा जो लाइब्रेरी बनाई जाती है उनमें ये क्या करेंगे तो सेक्रेटरी, एज ए लाइब्रेरी सेक्रेटरी काम करेंगे 1894 से लेकर 1898 ईस्वी तक। इसके पश्चात ये लॉ के प्रैक्टिस के लिए आप देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 वर्षों तक लगातार विधि का या फिर कानून का अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया या फिर वकालत की। इसी समय ये जो समय चल रहा होगा 1800 से लेकर या 19वीं शताब्दी में, 1890 के बाद से जो कालक्रम होंगे और 1911-12 के ईस्वी के बीच बिहार प्रांत को या फिर बंगाल से अलग करके बिहार राज्य के गठन को लेकर बहुत व्यापक आंदोलन चलेगा। और उस आंदोलन में या फिर बिहार राज्य के गठन के लिए जो आंदोलन चलेंगे उसके सबसे अग्रणी नेता, सबसे बड़ा नाम हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब का ही होगा। 1910 ईस्वी में पहली बार, पहले प्रथम भारतीय हैं जिनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लंदन के जो उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनको स्थान प्राप्त हुआ। इसी वर्ष इन्होंने लगभग 10 महाराजाओं को चुनाव, 4 महाराजाओं को 1910 के इलेक्शन में हराकर केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रतिनिधि चुने गए। निर्वाचन होता है और ये फिर आपके केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने वाले पहले बिहार के व्यक्ति भी बनके सामने आते हैं।
खास पहलू इनके क्या है, तो बंगाल से बिहार के अलग करने के लिए जो आपकी चल रही है चीजें, बिहार प्रांत के गठन में इनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। 1921 ईस्वी तक ये बिहार सरकार के अर्थ सचिव या फिर आर्थिक मंत्री और कानून मंत्री रहते हैं। इसके पश्चात पटना विश्वविद्यालय में ये उपकुलपति बनते हैं। 1921 का वर्ष आपको पता है कौन सा वर्ष है, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने सॉरी आपके असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहे हैं, बिहार में भी व्यापक इसका प्रसार है, और उसी समय सभी लोग वकालत छोड़ रहे हैं या फिर सरकारी शिक्षण संस्थानों सरकारी न्यायालयों का अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं। उसी क्रम में ये भी लॉर्ड सिन्हा साहब आपके इस पद से इस्तीफा दे देंगे कानून मंत्री के पद से, और फिर ये भी शामिल हो जाएंगे हमारे देश में असहयोग आंदोलन में, और उसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विकास के लिए या फिर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में पटना विश्वविद्यालय में ये उपकुलपति या उप प्रचार बनाए जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा साहब आगे देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने 1921 के पश्चात असहयोग आंदोलन के पश्चात भारतीय संविधान बनने की जो प्रक्रिया चल रही उस दौरान इन्होंने अमेरिका में जो विधायन की प्रक्रिया है, विधि कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं, जो कि ब्रिटेन की परंपरा से अलग है, उस पर ध्यान आकर्षित करवाया है भारत के लोगों का, भारतीय नेताओं का उस ओर ध्यान खींचा था, अमेरिकी विधान पद्धति की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। इसके पहले मैं यदि आपको बताऊं तो ये हमारे बिहार प्रांत के गठन में, बिहार की स्थापना में इनके योगदान जो कि सराहनीय और अतुलनीय है, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो इनके जो जीवन परिदृश्य वो पूरे होंगे नहीं। बिहार के लिए क्यों महत्व है, बिहार की शख्सियत का, बिहार का इतिहास सच्चिदानंद सिन्हा साहब से ही शुरू होता है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर सबसे पहले उन्होंने ही बिहार की बात उठाई थी। डॉक्टर सिन्हा जब वकालत पास करके इंग्लैंड से लौटे थे, तब उनसे एक पंजाबी वकील ने पूछा था कि मिस्टर सिन्हा आप किस प्रांत के रहने वाले हैं। डॉक्टर सिन्हा ने जब अपना नाम लिया तो वह पंजाबी वकील आश्चर्य में पड़ गया, इसलिए क्योंकि तब बिहार का नाम कोई प्रांत नहीं था, बिहार नाम से कोई प्रांत नहीं था। और सिन्हा साहब ने क्या कहा, सिन्हा साहब ने कहा मैं बिहार से हूं, तो वो पंजाबी जो इनके मित्र होंगे वो आश्चर्य में पड़ गए कि इस नाम का कौन सा प्रांत है, लेकिन इनके जहन में इनके सपने में उस बिहार के गठन की बातें चल रही है कि बिहार नाम से बिहारियों के लिए एक अलग राज्य होगा, बिहार राज्य होगा, उसके सपने इनके आंखों में पनप रहे थे और उसके लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। 1890 ईस्वी के आसपास से ही क्या होगा, इस घटना को ये अंजाम देंगे या फिर इसके लिए संघर्षरत रहेंगे। फरवरी 1893 की बात है जब ये घटना घट रही थी। डॉक्टर सिन्हा को ऐसी किसी कोई भी घटना ने झकझोरा, जब बिहारी युवाओं के कंधे पर बंगाल पुलिस का बिल्ला देखते थे तो उनको गुस्सा आता था, जब बिहार के युवाओं पर बंगाल पुलिस का लोगो देखते थे तो उन्हें गुस्सा आता था, और उसके बाद ये बिहार प्रांत के लिए और आंदोलन तेज करेंगे। इनके साथ बिहार प्रांत के गठन में देखिएगा, बिहार के आवाज को बुलंद करने के लिए नव जागरण का शंखनाद किया, और इस मुहिम में इनके साथ बड़े बड़े नाम होंगे, महेश नारायण, बाबू महेश्वर जिनको कहते हैं महेश नारायण या फिर बाबू महेश्वरी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी का योगदान होगा, नंद किशोर लाल, राय बहादुर, कृष्ण सहाय जैसे व्यक्ति इसमें शामिल है। बिहार हराल्ड नाम के अखबार था जिसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे, इनकी भूमिका भी रहेगी बिहार प्रांत के गठन को लेकर। इसके बाद और आगे चीजें देखिएगा, स्थितियां बदलते देख बिहार क्रॉनिकल्स भी बिहार प्रांत के गठन के आंदोलन में समर्थन में उतर जाएगा। उस समय जो बिहार प्रांत के गठन के लिए आंदोलन चल रहे हैं, कुछ अखबार हैं प्रसिद्ध अखबार जो कि आपके एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, उन अखबारों की ही चर्चा की जा रही है। बिहार अलग राज्य के पक्ष में जनमत तैयार करने में या फिर कहें माहौल तैयार करने में सबसे बड़ी जो भूमिका होगी, वो सबसे बड़ी भूमिका होगी इस अखबार की, द बिहार टाइम्स, जिसको 1894 ईस्वी में डॉक्टर सिन्हा और इनके कुछ मित्रों और सहयोगियों के साथ शुरू किया गया था, द बिहार टाइम्स, और यही अखबार आगे चलकर द बिहारी या फिर बिहारी के नाम से बहुत प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा, जिसके पहले संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद होंगे। स्थितियां को बदलते देख एक बिहार क्रॉनिकल्स नाम की
अखबार हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। 1907 ईस्वी में बाबू महेश्वर के या फिर महेश नारायण की मृत्यु के बाद बिहार प्रांत के गठन के लेकर जो आंदोलन चल रहे थे, कुछ लोग थे मुट्ठी भर लोग, उनमें से सच्चिदानंद सिन्हा साहब अकेले पड़ जाएंगे क्योंकि महेश नारायण जी दूसरे बड़े नाम थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुहिम या आंदोलन रुकता नहीं है, आंदोलन लगातार चलते रह जाते हैं। और आंदोलन आगे कब बढ़ेगा तो देखिएगा, अब आगे आंदोलन कैसे बढ़ेगा। एक व्यक्ति है सर अली इमाम, ये भी बिहार प्रांत के आंदोलन के समर्थक थे। इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा साहब का आपका साथ दिया और बिहार प्रांत को अलग प्रांत बनाने के लिए लगातार आवाज उठाएंगे केंद्रीय विधान परिषद में। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने क्या होगा बिहार और बंगाल के अलग करने की घोषणा की जाएगी, है ना। ये सारे अखबार थे, द बिहार हेराल्ड, द बिहार टाइम्स, बिहारी। अब वहां से आपके जो केंद्रीय विधान परिषद में या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार प्रांत के गठन की मांग जब उठेगी तो उसमें आगे देखिएगा क्या होगा हमारा। तो उसमें एक सभा का गठन किया जाएगा 1908 ईस्वी में। एक तरफ तो तीन बातें हो रही है, एक तरफ अखबारों के माध्यम से इसको उजागर किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, दूसरी तरफ केंद्रीय विधानसभा में या फिर विधान परिषद में ये बातें उठा रहे हैं हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा साहब, क्योंकि दोनों मेंबर हैं केंद्रीय विधानसभा के काउंसिल के। इसके बाद हमारा तीसरा हो जाता है एक प्रांतीय सभा, बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया जाएगा 1908 ईस्वी में, जिसका भी उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य भी होगा बिहार प्रांत के नाम से या फिर बिहार राज्य के नाम से एक अलग राज्य की स्थापना करना, जिसकी अध्यक्षता अली इमाम साहब ने की थी। इसका आयोजन पटना में किया गया था। अप्रैल 1909 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब की अध्यक्षता में ही बिहार में प्रांतीय सभा की दूसरी सम्मेलन भागलपुर जिले में आयोजित किया जाता है और मांग को और ज्यादा बल मिलेगा, तेज होंगे आंदोलन। और जब आंदोलन और गति प्राप्त करेगा, इस आंदोलन को देखकर ब्रिटिश सरकार ने भी निर्णय लिया था कि अब जो है स्थिति आ गई है ऐसे कि बंगाल से अलग करके बिहार नाम से एक नए राज्य का गठन किया जाए। और वो सपना कब पूरा होगा, तो ये सपना पूरा होगा हमारा 12 दिसंबर 1911 का एक दिन है, जिस दिन दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जॉर्ज पंचम के सम्मान में, और इसी सम्मान में बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की जाती है, जिसमें भूमिका किनकी रहती है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब की। और अंततः 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन होता है, अपना बिहार अस्तित्व में आता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे किनकी रही, तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब की रही है। इसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी कौन चुने जाते हैं हमारे बिहार के ही दोनों व्यक्ति चुने जाते हैं। पहले सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब का नाम जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी साहब ने खुद ही उठाया था कि इनको ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए इनके नाम का। आचार्य जेबी कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए अध्यक्ष ब्रिटिश संसद ने 1946 में करने की घोषणा की, निर्णय लिया था अस्थायी अध्यक्ष बनाने का, जब दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर, इस बैठक में निर्णय लिया था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में देश के हर क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि एकत्रित हुए और यहां पर संविधान सभा का पहला बैठक होता है, पहले दिन का सेशन होता है। और इस सेशन में क्या होगा, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। और यह है वही देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जिसमें इनको चुना जाता है। हमारे अध्यक्ष फोटो है, थोड़ा सा आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, जो मे भी आपको बहुत कुछ ना दिख रही हो। संविधान सभा बैठी और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सिन्हा साहब के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पे आम सहमति बन गई। अध्यक्ष के आसन पर तक आदर के साथ पहुंचाने से पहले आचार्य कृपलानी ने उनके राजनीतिक जीवन और गौरवशाली कार्यों का
परिचय दिया तब सच्चिदानंद सिन्हा साहब आसन पर बैठे। चलिए इसके बाद ये सब तो हुए इनके जो है आपके राजनीतिक जीवन के बारे में। इनकी पत्नी का नाम हमने आपको बताया था राधिका नाम है, और राधिका सी से इनका शायद बहुत ही प्यार था, बहुत प्यार करते होंगे। अपनी पत्नी की याद में इनके बीच में ही छोड़कर चली गई थी, उनकी याद में इन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी स्वर्गीय पत्नी राधिका सिन्हा के नाम पर 1924 में सिन्हा लाइब्रेरी की बुनियाद डाली थी। सिन्हा साहब ने इसकी स्थापना लोगों के मानसिक, बौद्धिक और शैक्षणिक विकास में किया है। ये देखिए द स्मृति राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एंड द सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी 1934 में बनके तैयार होता है। 10 मार्च 1926 को एक ट्रस्ट की स्थापना कर लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी जाती है। और माननीय सदस्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति और उस समय के अन्य गणमान्य व्यक्ति आजीवन सदस्य बनाए गए थे इस लाइब्रेरी के। सच्चिदानंद सिन्हा के जरिए स्थापित लाइब्रेरी के कर्मचारी संजय कुमार बताते हैं कि डॉक्टर साहब का लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने जाना चाहते थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब लंदन जाना चाहते थे बैरिस्ट्री करने के लिए। चलिए आइए इसके बाद, लेकिन उनके माता पिता सात समंदर पार उनको भेजना नहीं चाहते थे और वो अपने जिद पर अड़े रह गए, लंदन गए, जहां से लौटने के बाद सबसे पहले बंगाल को अलग करवाया। बंगाल को अलग कराया अर्थात एक अलग प्रांत के रूप में हमारे बिहार का गठन किया था। तो ये था इनके जीवन के बारे में, सच्चिदानंद सिन्हा के साहब के बारे में। ये शख्सियत जो है हमारे, या जो आज के शख्सियत थे, आज की विभूति थे। इसी तरह के एक एक विभूतियों को लेकर मैं लगातार आपके साथ मिलता रहूंगा मंडे टू सैटरडे 3:30 बजे। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाया करेंगे मंडे टू सैटरडे। चलिए फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट सेशन में, आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।